Good morning and trained dear students. So yesterday I have taught you what is dividend, what is divisor, what is quotient and what is remainder. These things we have basically focused yesterday. So aaj hum log notebook work karenge. Yesterday we have done book work. Humne book work kar liya hai. Now we are going to do today notebook work. Theek hai? So hum log ab copy mein work karenge. So for that take out your maths notebook. And in that page where you have done this you have already done, ये सबने कर लिया है. इसके next page में you have to do the divide question for today. So just draw the line like this, जैसे ये दिया हुआ है वैसे ही आपको line draw करनी है horizontally and vertically for classwork and for homework both. In this way you have to make your notebook, right? So just open your notebooks fast and draw the lines and then we will be doing 4 question as a classwork and 4 question I will be giving you for practice as a homework. All right, so take out your notebooks fast. Okay, before doing the question let's discuss one more time. Ek baar fir se is cheez ko revise karte hain. For example there is a question 16 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है क्या करना है, हमें 4 से 16 को डिवाइड करना है. सो डिवाइजर क्या है, दिस इज व्हाट डिवाइजर एंड 16 इज व्हाट, 16 इज डिविडेंड. राइट, डिविडेंड क्या है 16. अब 4 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, दैट वी हैव टू चेक. 4 की टेबल में हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, 4 टाइम्स, 4 4 16. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्ट करना. 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0. सो व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज क्वोटेंट हियर, क्वोटेंट यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज क्वोटेंट 4 एंड रिमाइंडर इज हाउ मच 0, दिस इज व्हाट रिमाइंडर. सो रिमाइंडर इज 0. राइट, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ क्वेश्चन 20 एंड हियर वी हैव डिवाइडेड बाई 3. अगर 3 से हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है. 3 की टेबल में 20 आता है नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अप टू नियर बाय. 3 की टेबल में 20 से छोटा क्या आता है, यस 6 3 18 होता है ना, 3 6 18. माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2 एंड दिस इज 0. सो नाउ दिस इज व्हाट क्वोटेंट, दिस इज वॉट रिमाइंडर. क्वेटेंट क्या आ गया 6, रिमाइंडर क्या आया 2. कैसे 2 आ गया, बिकॉज 3 के टेबल में 20 नहीं आता है तो हम नियर बाय ले जाते हैं, जो 20 से छोटा होगा हम वहाँ तक लेके जाते हैं. राइट, सो 3 6 18. हम ऐसे आप चाहो तो कॉर्नर में टेबल लिख सकते हो, ऐसे 3 6 9 ऐसे करके आप टेबल लिख सकते हो, 12 15 18 21. सो 20 से बड़ा हो जा रहा है 21, है ना. सो 20 से बड़ा हो रहा है तो हम इसलिए 18 ले गए हैं, हम 6 टाइम्स लेके गए. वॉट इट, सो आप इस तरह से चाहो तो रफ में टेबल लिख सकते हो ताकि आपसे गड़बड़ ना हो. अपने साथ एक रफ कॉपी नोटबुक रख लो एंड देन यू कैन डू इट. सो नाउ लेट्स डू द क्लास वर्क. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लास वर्क. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ड्रॉ द लाइन like this horizontally and vertically. Draw the line, use pencil color for drawing the line and then we will be solving 4 questions. ठीक है, हम 4 questions करेंगे. All right, so let's start. All right, so now we will be doing the classwork. सबसे पहले हम लोग को यहाँ क्या heading लिखनी है, classwork. So let's write that. Write down here CW. ठीक है, and here you will write today's date. Now after that the heading is divide. Kya heading dalni hai hame, divide. So here you can write divide, divide, divide. Theek hai, so now pehla question hai 32 divided by 4. First write all the question. Second question hai 54 divided by 6. You have to learn tables, remember that students. 20 divided by 5. So every day revise table, then only you will be able to
solve the question. So now we will be dividing each and every question one by one. How to do? अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं, फोर से हमें किसको डिवाइड करना है, 32. वी विल राइट लाइक दिस 32. इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट क्वेटेंट हियर और हियर ऑल्सो, इट्स योर विश. ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट पेज, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे. आपने चारों क्वेश्चन लिख लिया, नाउ सॉल्व विथ मी. ठीक है, सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग हियर वन बाय वन ईच क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या मैंने लिखवाया है, 32 डिवाइडेड बाय 4. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो 4 इज वॉट, डिवाइजर, एंड 32 इज वॉट, आर डिविडेंड. है ना, दिस इज आर डिविडेंड. रिमेंबर दैट जो नंबर बाद में लिखा रहता है, दैट 32 डिवाइडेड बाय 4, दिस मीन्स इट्स अ डिवाइजर. ये क्या होता है, डिवाइजर, और ये डिविडेंड. No need to write this, I'm just explaining, okay? Now solve it. 4 को 32 को 4 से divide करना है, right? 4 आपका क्या है, divisor. Now 4 की table में 32 आता है, yes or no? Read the table of 4 and then tell me yes or no. I'm waiting. Yes, I got the answer. It comes in table. So let's start. How many times it is coming? 4, 8 times. 4, 8's are how much? 32. है ना? 4 की टेबल में 32 आता है. 4, 8's are. Now, अब क्या स्टेप होता हमारा? Next step, minus. Next step क्या होता हमारा? Minus. 2 minus 2, 0. 3 minus 3, 0. So now, what is the answer? Answer लिखने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे quotient. आप Q और R भी लिख सकते हो. ठीक है, quotient is equals to, and next remainder is equals to. ठीक है, आप चाहो तो शॉर्टकट में ऐसे q equals to, r equals to भी लिख सकते हो. quotient कितना मिला हमें, 8, remainder is 0. So do it. One one question I will be solving one by one. Okay, do it. कैसे करना है, as I have told you, आपकी notebook में आप कैसे करोगे, like this. 4, 8's a 32. यह आ गया, यहाँ 0, 0. And यहाँ पे आपका answer आएगा. I don't have space that much. तो आप यहाँ पे लिखोगे Q equals to और R equals to, यहाँ पे answer लिख के. ठीक है? This is 8, this is 0. In this way you will have to do. Got it? Now, after doing this, we will be solving the next question. समझ में आया? Q is equals to 8, R equals to 0. So this was the first question, 32 divided by 4. Now second question. Second question is 54 divided by 6. अब हमें 6 की टेबल चाहिए. If you want, आप 6 की टेबल ऐसे कॉर्नर में लिख सकते हो, right? आप कॉर्नर में लिख लो, so that आपको आता रहेगा कि अच्छा चलो 6 की टेबल से डिवाइड करना है, हम फटाफट कर लेते हैं. ठीक है, आप इस तरह से फटाफट कॉर्नर में एक 6 की टेबल लिख लो. देन आफ्टर दैट यू कैन डू व्हाट, यू कैन जस्ट सॉल्व इट इजीली. सो नाउ डिवाइजर क्या है, 54 या 6? 6. एंड व्हाट वी हैव टू राइट हियर, 54, राइट? नाउ लेट्स राइट इट. आप लोग भी अपनी रफ कॉपी अपने पास रखो, यू कैन राइट देयर. Okay, next you have this, we have run 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Table of 6 already written here in the corner. Now after that ab bahut easy ho jayega if you know the table, right? So 6 ki table mein 54 aata hai. Now see, yes aata hai. How many times it is coming? 9 times. So now write down here 9 times. 6 9s are 54. Minus karna hai. What you will get? 4 minus 4, 0. 5 minus 5, 0. So now what is quotient and what is remainder? Quotient is 9. Remainder is 0. Ye hota hai remainder. And this we get quotient. Jisse hum multiply kar rahe, jisne times aata hai, that is quotient. Okay? Do it.
हियर आई एम शोइंग यू हाउ टू डू इन योर नोटबुक. ऐसे करोगे आप अपने नोटबुक में, 6 में 54, ठीक है. 6 9s 54 माइनस 00 आंसर क्वेटेंट रिमाइंडर. दोनों ही आंसर होता है डिवाइड में. डिवाइड में दो आंसर होते हैं, एक होता है क्वेटेंट, दूसरा रिमाइंडर. ओके नाउ नेक्स्ट डू 5 and 20, ठीक है. 36 divided by 4. वी हैव टू सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस. अंडरस्टूड, डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड. थर्ड क्वेश्चन क्या है, 20 divided by 5. अगेन हम क्या करेंगे, रफ कॉलम बना सकते हैं और 5 की टेबल लिख सकते हैं, राइट. हम इस तरह से टेबल यहाँ पे कॉर्नर में लिख लेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी. जब हमारा आ जाए आप वहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो कि आपको मिल गया कि कितने टाइम्स जाएगा, और चाहो तो पूरी टेबल लिखो, इट्स योर विश. सो नाउ 20 इज व्हाट, डिविडेंड एंड डिवाइजर इज 5. 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 20, यू कैन सी हियर 1 2 3 4, 5 4 20. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, माइनस. नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, माइनस. 0 में से 0 गया 0, 2 minus 2 0. नाउ आंसर क्या है हमारा, क्वेटेंट इज इक्वल्स टू 4 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. सॉल्व इट लाइक दिस, इसको सॉल्व करो. ओके, डू इट इन योर नोटबुक. आई एम शोइंग यू हियर 5. How many times we got? 4 times. 5 4s are 20. Minus 0 0. Answer kya mila hame? Quotient equals to and remainder equals to 4 and 0. Now we will be doing the last question. Theek hai? Iske baad hame karna hai last question. What is the last question? Last question is 36 divided by 4. 4 से 36 को डिवाइड करना है. सो आप चाहो तो यहाँ पे 4 की टेबल लिख लो. गॉट इट ना, 4 की टेबल में 36 आता है, यू कैन सी हियर. यस आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स. सो 4 9 times is 36. So now minus 6 minus 6 0, 3 minus 3 0. Quotient is 9 and remainder is 0. Do it in your notebook, then I will be sharing with you the homework. Alright, do it in your notebook like this. Four nines are 36 minus 00. Answer quotient equals to remainder equals to 9 by 0. Got it? So we got this question. We have done this question. We got the solution. All right. So now after this, I will be giving you the homework. ठीक है, इसके बाद हम आपको homework देंगे. समझ में आया सबको? सो हमें बेसिकली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी होमवर्क मिला होगा, फॉर एग्जांपल ये होमवर्क है 27 divided by 9. अगर ये क्वेश्चन होमवर्क है, आप क्या करोगे, 9 यू विल राइट इन डिवाइजर प्लेस, 27 एट डिविडेंड, एंड देन आपको डिवाइड करना है. आप चाहो तो रफ में टेबल लिख लो, ठीक है, एंड देन यू विल बी नोइंग, अच्छा आता है, हाउ मेनी टाइम्स आया, वो लिख के माइनस करना है. यहाँ पे लिखोगे, देन नेक्स्ट स्टेप माइनस, एंड देन फिर क्वेटेंट एंड रिमाइंडर. So for that, for division, what you need tables. You have to learn the tables. Now I'm writing homework here. Note down the homework questions. HW. Question is 27 divided by 9. First question. Second, 18 divided by 6. Question 1. Question 2. Question number 3, question number 4. Question 3 is 42 divided by 6. Okay? Next, 4th, 35
डिवाइडेड बाय 5। सो आपके नोटबुक में प्रॉपर स्पेस है, आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ के तब करोगे ऐसे 9 और यहाँ 27। आपके नोटबुक में बहुत स्पेस है, सो लीव वन लाइन, ठीक है, लीव वन लाइन देयर, हियर 6, हियर 42, लाइक दिस यू हैव टू डू। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन राइट नाउ, ऐसे आप नोट डाउन करके रखो, लीव वन लाइन एंड देन सॉल्व। एंड आंसर में हमेशा याद रखना है आपको क्वेटेंट एंड रिमाइंडर दोनों लिखना है, दोनों अलग अलग लाइन में, एक जगह लिखोगे क्वेटेंट एंड देन रिमाइंडर लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, टुडे इज योर फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस मच, अदरवाइज सब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। Got the 4 questions? Okay. I'm writing once again your homework here. 1, 2, 3, 4. 4 questions हैं homework में। पहला है 27 divided by 9। जिसने नहीं note down किया note down कर लो, और you can take screenshot। आप आराम से screenshot ले सकते हो and then you can do it। और अदरवाइज वेट फॉर द PDF, आई विल बी सेंडिंग द PDF ऑल्सो, सो नॉट टू वरी अबाउट, टेक द स्क्रीन शॉट्स। ऑलराइट, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि डिवाइड करना कैसे है। लाइक अगर 9 से करना है 9 की टेबल लिख लो, 6 से करना है 6 की टेबल, एंड 5 से करना है तो 5 की टेबल कॉर्नर में लिख के आप इजिली कर सकते हो। एंड इफ यू हैव लर्न द टेबल देन नो नीड टू राइट डाउन, आपको लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप एक बार नोट कर लो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, डिवाइड कैसे करते हैं समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज क्वेटेंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर। ये चार चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेटेंट, रिमाइंडर। सबसे पहले आपको क्या दो चीज़ दी रहती हैं क्वेश्चन में, एक होता है डिवाइजर, दूसरा डिविडेंड, दो चीज़ें दी रहती हैं। आप क्या फाइंड आउट करते हो, क्वेटेंट एंड रिमाइंडर, राइट। तो क्वेटेंट और रिमाइंडर तो बाद में आएगा, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि डिवाइजर कौन सा है और डिविडेंड कौन सा है। हमेशा डिविडेंड बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जब भी डिविडेंड आ हुआ है, डिविडेंड मीन्स जिसको आप, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो वो आपका बड़ा नंबर रहेगा। डिवाइजर हमेशा छोटा रहेगा, आप किसी एक टेबल से डिवाइड करते हो ना, लाइक 12 से किया, 13 से किया, व्हाटएवर जो भी टेबल आपको दी है आप उससे डिवाइड करोगे एंड बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, गॉट इट। और कितने टाइम्स हुआ, कितने टाइम्स आ रहा है, लाइक 5, 4s are 20 होता तो 4 times हुआ, तो 4 इज व्हाट, क्वेटेंट, वो क्या हो गया, क्वेटेंट। सो उसको करके फिर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाता है दैट इज योर रिमाइंडर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डिवाइजर, व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज क्वेटेंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर। ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज व्हाई आई हैव मेड इट क्लियर। यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखवाया था, और ये आपने ऑलरेडी अपनी नोटबुक में कर लिया है वर्क कि डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, यहाँ पे क्लियरली लिखवाया है ना, यू कैन सी हियर। Now, here in this question, 3 is what? Divisor. 12, here 12 you can see. 12 is what? Dividend. And so, 3 fours are. 4 kaha pe diya hua hai? 4s are. 4 means quotient and remainder 0. So, this you have to learn. Okay, this you have to understand ki what is divisor, what is dividend, what is quotient and what is remainder. Remainder means jo bach gaya. क्वेटेंट मीन्स कितने टाइम्स क्या, कितने नंबर से डिवाइड हुआ, एंड जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो दैट इज डिवाइजर, और जिस नंबर को डिवाइड करो दैट इज योर डिविडेंड। सो यू हैव टू कंसंट्रेट एंड कीप इट इन योर माइंड कि डिवीजन का कंसेप्ट यही चार चीजें हैं, क्लियर, क्या क्या, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेटेंट, रिमाइंडर। यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो, ऑल राइट। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल शेयरिंग, क्या करते हैं हम, इक्वली बांटते हैं ना, सो दैट इज व्हाट डिवीजन, किसी भी चीज़ को इक्वली बांटना, शेयर करना, और या कितने लोग में बांट रहे हैं, दैट इज योर डिवीजन। सो
ऑल द बेस्ट, कंप्लीट योर होमवर्क एंड डू प्रॉपरली, अंडरस्टैंड प्रॉपरली, एंड वी विल बी डूइंग द कॉपी वर्क 4-5 days. तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, धीरे धीरे एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.